फोयल एनिमेशन। जय हिंद दोस्तों, अभी को ये मत बोलना कि मैं हिंदुस्तानी भाव का कॉपी कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने जय हिंद इसलिए बोला था क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज की कहानी भी इसी से कुछ रिलेटेड होने वाली है, तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, फिर एक दिन मैंने साइंस ले लिया। ये दुख भरी दास्तान किसी और वीडियो के लिए। तो हमारे आज की कहानी की शुरुआत होती है आज से 2 साल पहले, जब हमारे स्कूल में नए पीटी के टीचर आए थे। रुको, अगर इस भीड़ में भी तुम लोग मुझको ढूंढ रहे हो तो ये रहा मैं। अब बैक टू द कहानी। हेलो बच्चों, आज तुम्हारे नए पीटी के टीचर आए हैं और इनको कमर्शियल फार्ट भी आता है। सर, वो कमर्शियल फार्ट नहीं, मार्शल आर्ट होता है। उस नए पीटी के टीचर को देखने के बाद हमें लगा था कि ना जाने वो हमें क्या क्या सिखा देंगे, बट आई वॉज रॉन्ग। उन्होंने हमको सिखाया सिर्फ ये। वैसे तो मैं इंडिपेंडेंस डे के परेड में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था, लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने आकर के मुझसे बोला, ओए मुझे खबर मिली है, उधर समोसे भी मिलेंगे। समोसे मुझे पसंद है, और अगर फ्री के हो तो उससे भी ज्यादा। तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, और फिर हमने किया पार्टिसिपेट परेड में, और हमें फर्स्ट प्राइज मिल गया और सबको समोसे भी मिल गए सिवाय मेरे। हाँ, मैंने समोसे के लिए पार्टिसिपेट किया था और मुझको समोसा नहीं मिला। समोसा लगता है ये दूरदर्शन में चला गया। अरे वो दूरदर्शन नहीं, डिप्रेशन होता है। उसके बाद मैं समोसे के दुकान में चला गया। भाई साहब, दो समोसे देना। ओभी खत्म हो गया क्या? खैर, उस दिन तो मुझे समोसे नहीं मिले, बट बाद में मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं इतना लकी था कि समोसे के होटल तक जा सकता था, क्योंकि आजादी के पहले बहुत सारे ऐसे होटल्स थे जहाँ पर ये लिखा रहता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सो हमें हमारी इस आजादी की कीमत को समझना चाहिए और हमें इस आजादी को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो चलिए आज हम सब लोग मिलके हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं और उनको शुक्रिया कहते हैं हमारे इस आजादी के लिए। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैंने साइंस ले लिया, तो 2 साल से मैंने इस तरह के किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया, और इस बार मैं पार्टिसिपेट करने वाला था इंडिपेंडेंस डे में, बट इस कोरोना वायरस की वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। यार, ये 2020 काफी अनलकी साल था, है ना, बट कुछ अच्छी चीजें भी हुई है। चीन के जिन एप्स को बैन किया है उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है टिकटॉक की। इस न्यूज को सुन के मुझे तो काफी खुशी मिली, बट कुछ कुछ टिकटॉकरों के टूट के हाथ में आ गए रिंग लाइट। अबे पूरा वीडियो देख लिया? अब लाइक कर दो और शेयर भी।